नमस्कार, आप देख रहे भारतीय सिल्वर स्क्रीन और आज ट्रेलर रिव्यू करेंगे घरेलू हिंसा पर आधारित फिल्म अमूका, जो 19 अक्टूबर को अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम होने जा रही है। बॉलीवुड में घरेलू हिंसा पर कई फिल्में बन चुकी हैं। दमन, लज्जा, मेहंदी, अग्निसाक्षी, थप्पड़ जैसी फिल्म इस लिस्ट में शामिल है। इन फिल्मों में दिखाया गया है कि कैसे समाज में घर के बाहर और अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि उनके अपने होते हैं, उनके पति या ससुराल के लोग शामिल होते हैं। कभी अहम की संतुष्टि के लिए तो कभी छोटी छोटी बातों पर महिलाओं को साथ मारपीट किया जाता है। पहले के दौर में महिलाएं अपने साथ होने वाले अत्याचारों को सह लेती थी, घूट घूट कर जिंदगी जीती थी, लेकिन समय के साथ साथ महिलाओं में जागृति आई है। महिलाओं ने अपने खिलाफ होने वाले अत्याचार को सहना बंद कर दिया है। जरूरत पड़ने पर कानून का सहारा लिया जा रहा है, थाने और कोर्ट तक गई है, नरक भरी जिंदगी से आजादी के लिए अपने पति से तलाक तक ले लिया है। समाज में होने वाले बदलाव सिनेमा में भी देखने को मिले हैं। हर दौर के सिनेमा में घरेलू हिंसा को अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। नए दौर के सिनेमा में महिलाओं को ज़्यादा सशक्त दिखाया जाने लगा है। अब फिल्मों में महिलाओं केवल विरोध ही नहीं करती बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने साथ हुए अत्याचार का बदला भी लेती हैं। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई डार्लिंग्स में भी ऐसा दिखाया गया है। उसी तरह की एक फिल्म अमेजन प्राइम पर 19 अक्टूबर को स्ट्रीम होने जा रही है, जिसका नाम है अमू। चारू के शेखर के निर्देश में बनी इस फिल्म को स्टोन बेज फिल्म्स के बैनर तले निर्माण किया गया है। इसमें ऐश्वर्या लक्ष्मी, नवीन चंद और सिम्हा जैसे साउथ के कलाकार अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म मुख्य रूप से तमिल में बनाई गई है, लेकिन इसे तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ के साथ हिंदी भाषा में डब करके भी स्ट्रीम किया जाएगा। फिल्म अमू नामक एक महिला के जीवन पर आधारित है, जिसका किरदार अभिनेत्री ऐश्वर्या लक्ष्मी ने निभाया है। अमू शादी से पहले सोचती है कि वह अपने पति के घर जाने के बाद बहुत मजे करेगी, पति से बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान मिलेगा, जैसा कि प्रेमी के रूप में वो अभी उसे दे रहा है। लेकिन अम्मू यहाँ गलत साबित हो गई। शादी के बाद अम्मू जब अपने ससुराल गई तो सुहाग रात के दिन ही उसके पति ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद मारपीट का सिलसिला बस तो जारी रहा। अम्मू ने अपनी माँ से जब अपने पति की सच्चाई बताई तो उन्हें उल्टा उससे ही पूछ लिया कि तुमने कोई गलती तो नहीं की थी। माँ की बात से अम्मू बहुत आहत होती है। वो अपने पति को चेतावनी देती है कि यदि उसने उसके साथ हिंसा बंद नहीं की तो वो अपने घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो मारपीट करना बंद नहीं किया। अंत में अम्मू हिम्मत जुटाकर उसी पुलिस थाने पहुंचती है जहां उसका पति तैनात होता है, लेकिन पति उस पर दबाव बनाकर उसे वापस भेज देता है। इसके बाद अम्मू से बदला लेने का फैसला लेती है। फिल्म अम्मू के 2 मिनट 10 सेकेंड के इस ट्रेलर में दिखाने की कोशिश की गई है कि अब वो वक्त आ गया है जब घरेलू हिंसा के खिलाफ केवल जागरूक ही नहीं होना बल्कि ऐसा करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है। हिंसा करने वाले के साथ हिंसा करना कोई गलत बात नहीं है। जैसे कि आत्मरक्षा में किसी की हत्या हो जाए तो कोर्ट भी रियायत दे देती है, वैसे ही ससुराल में किसी भी महिला के साथ मारपीट या गाली गलौज करने वाले को उसी की भाषा में जवाब देने की ज़रूरत है। वैसे इसी तर्ज पर आलिया भट्ट और शेफाली शाह की फिल्म डार्लिंग्स बनाई गई है। इसमें भी आलिया की किरदार अपने पति को सबक सिखाने के लिए उसके साथ वही असूल करती है। फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है। अमू के लेखक और निर्देशक चारू के शेखर का फिल्म के बारे में कहना है, ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें अमू की कहानी को दिखाया गया है जो कि घरेलू हिंसा का शिकार होती है और बाद में पति के खिलाफ स्टैंड लेने का फैसला करती है। यह दर्शकों को रोमांचित कर देगी। इस फिल्म के कलाकारों ऐश्वर्या, नवीन और सिम्हा के जबरदस्त प्रदर्शन के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। सभी ने अपने किरदार को स्क्रीन पर जीवंत करने के लिए कड़ी मेहनत करी है। फिल्म के निर्माता कल्याण सुब्रमण्यम ने कहा, पुथुम पुथु कलाई के बाद प्राइम वीडियो के साथ यह दूसरा प्रोजेक्ट है। हमने हमेशा ऐसी कहानियाँ ली है जो आकर्षक है लेकिन कंटेंट से प्रेरित है। अमू दोनों आयामों में खरा उतरती है। वहीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी का कहना है, अमू महिला सशक्तिकरण की एक बेहतरीन कहानी है।
मेरे लिए एक अपमानजनक रिश्ते में उलझी एक महिला की भूमिका निभाना चुनौतीपूर्ण और अपने तरीके से उत्साहित करने वाला था। एक महिला के रूप में अम्मू में बहुत कुछ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सबसे सच बोलना और अपने लिए खड़ा होना। खैर जो भी हो, कहानी बहुत शानदार लग रही है। बाकी फिल्म देखकर मालूम होगा कि सबको कितना पसंद आया। तो आज तक की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।